वेलकम बैक टू ब्लॉग चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं एक नए एंड फ्रेश ब्लॉग में। तो मैं मुंबई के जुहू इलाका में आ गया हूं। बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा स्टार जुहू इलाका में ही रहते हैं, बड़े से लेकर छोटे स्टार तक यहां उनका घर है, यहां अपार्टमेंट है, सब कुछ यहां पे। बहुत ज़्यादा बॉलीवुड के स्टार यहीं पर रहते हैं। तो मैं वही बॉलीवुड के स्टार में से एक जितेंद्र साहब के लड़के तुषार कपूर के घर पर आ गया हूं। ये पीछे आपको जो बंगला दिख रहा है ना, एक और दो, ये कृष्णा नेम प्लेट आपको दिख रहा होगा, कृष्णा, ये 1-2 दोनों उसी का अपार्टमेंट है। यहाँ पे जितेंद्र सर नहीं रहते, तुषार कपूर अकेले रहते हैं, अकेले ही इसमें और उसमें राज करते हैं, कोई नहीं रहता, उसका स्टाफ लोग रहते हैं, बट सिर्फ तुषार कपूर इस दोनों बंगले में रहते हैं। तुषार कपूर कौन नहीं जानता, गोलमाल में कितना अच्छा किरदार निभाया, कितना अच्छा कॉमेडी, मतलब उसका मैक्सिमम मूवी जो है ना वो स्पीचलेस है, बोलता नहीं, बट उसका कॉमेडी ना इतना फनी रहता है, इतना मजेदार आता है ना, सबके दिल में भा जाता है, सबको मन को मोह लेता है। वो ऐसे एक्टर में से एक है तुषार कपूर सर। वो अभी आए थे, कहीं से आए थे तो मैं देखा था उसको, बट वो हम लोग से नहीं मिल पाए, शायद वो बिजी होंगे कहीं ना कहीं, तो इसके लिए वो नहीं मिल पाए। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट उसका घर यही है, एक और दो। जितेंद्र सर नहीं रहते, वो दूसरे बंगला पर रहते, यहाँ पे तुषार कपूर अकेले रहते। जहाँ पे जितेंद्र सर रहते उस बंगला का कॉस्ट 200 करोड़ है, वो वहाँ पर रहते हैं। इसका भी 200 करोड़ से कम नहीं है भाई, ये और वो। अब इसके बाजू में अनिल कपूर सर का भी बंगला है, इसके बाजू में और एक बॉलीवुड स्टार का बंगला है। तो अब बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा स्टार ना जुहू इलाका में ही रहते हैं। मैं बारी बारी करके ना आप सबका घर दिखाऊंगा। तो सर को पहले अपार्टमेंट देख ले कैसा है कि नहीं है, फिर आपसे मिलते हैं। ये कृष्णा है, कृष्णा 1 और 2, जिसमें तुषार कपूर अकेले रहते हैं। उनका एक बेटा है जो सरोगेसी से हुआ है, वो दोनों बाप और बेटा इसी बंगला में रहते हैं। ये बंगला जुहू के 7 नंबर गली में स्थित है, और इसके जस्ट बाजू में अनुपम खेर का बंगला है, और उसके बाजू में अनिल कपूर का बंगला है। तीनों बहुत ही अच्छे पड़ोसी है, क्योंकि आसपास में तीनों का बंगला है, और इसके गेट के जस्ट गेट के आगे में कुछ फोटो खिंचा रहा है कृष्णा, जहाँ नेम प्लेट लिखा हुआ है। ऐसे आए दिन आते जाते रहता है, जो इसके घर के आगे या नेम प्लेट के आगे फोटो खिंचा के वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तुषार कपूर के करियर के बारे में बात करें तो उसकी पहली मूवी है मुझे कुछ कहना है, जो 2001 में आई थी, और इनके अपोजिट करेक्टर में थी करीना कपूर। ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी, और ये ब्लॉकबस्टर हिट भी हुई थी। इस फिल्म के लिए तुषार कपूर को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट मेल डेब्यू का अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके बाद एक से बढ़कर एक फिल्म इसको ऑफर मिलता गया, और ये करता गया, और लाइफ में आगे बढ़ते गए, और ये सबसे ज़्यादा गोलमाल सीरीज फिल्म में किरदार के लेके काफ़ी फेमस हुए, काफ़ी पॉपुलर हुए थे पब्लिक के बीच में। ये जो लंबी सी टावर दिख रही है ना, यही अनुपम सर का बंगला है, जिसके जस्ट बाजू में अनिल कपूर का बंगला है, उसके जस्ट बाजू में तुषार कपूर का बंगला है। ये बंगला बीच में है, और अनुपम सर अपने बीबी किरण खैर और अपने बेटे के साथ इसी बंगला में रहते हैं। तुषार कपूर का उम्र 46 ईयर हो गया है, वो अभी तक शादी नहीं की है, उसका एक बेटा है जो कि सरोगेसी से हुआ है। तुषार कपूर आजकल पर्दा पे बहुत ही कम नजर आते हैं, बहुत ही कम फिल्म और सीरियल साइन करते हैं। तुषार कपूर लास्ट टाइम वेब सीरीज एज अ एक्टर बालाजी हॉरर वेब सीरीज अबू सबकी फटेगी में दिखे थे। उसके कार कलेक्शन के बारे में बात करें तो मर्सिडीज, BMW, रेंज रोवर, ये सब उसके कार कलेक्शन में शामिल है, और जहां तक बाइक की बात करें तो हायाबुसा उसका बाइक कलेक्शन में शामिल है। तुषार कपूर एक फिल्म का 2 से 3 करोड़ रुपया चार्ज करते हैं, और तुषार कपूर का टोटल नेट वर्थ के बारे में बात करें तो 80 करोड़ का मालिक है। तो यही तुषार कपूर का बंगला था, यहाँ पे वो अकेले रहते हैं, अपने एक बेटा है, बेटा के साथ, बट तुषार कपूर शादी नहीं किया, फिर भी एक बेटा है उसके साथ। उसकी बहन को तो आप लोग जानते होंगे, वो भी एक प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर है, जो कि सीरियल डायरेक्ट करते हैं, एक कपूर सब कोई उसको जानता है, बहुत ज़्यादा उसका सीरियल फेमस होता है, और ये भी तुषार कपूर भी एक डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, और एक्टर भी है। तो उसका एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जिसमें वो मूवी भी रिलीज करते 2020 में ही ओपन हुआ था, और ये अभी फिलहाल कोई मूवी साइन नहीं करे, मूवी बहुत कम नज़र आते, बट एक दो सीरियल में आ जाते नज़र। और वो फेमस कलाकार, फेमस एक्टर मिस्टर जितेंद्र सर का वो बेटा है तुषार कपूर। तो यही था आज का ब्लॉग, ये ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट कर जरूर बताना। फिर मिलते हैं किसी फ्रेश ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।